तो जो क्रिप्टो बिल पार्लियामेंट में आने वाला है विंटर सेशन में, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे जो पार्लियामेंट में पूछे गए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री से, तो उसके कुछ आंसर्स है। लाइक कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या गवर्नमेंट बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाएगी, उनका सीधा आंसर था, आंसर लाइक ऑप्शन में ही था वो, उनका ये था कि RBI गवर्नमेंट कोई भी इसकी जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं उसको स्टोर नहीं करता, उसको कंट्रोल नहीं करता, तो हम उसको लीगल टेंडर नहीं बना सकते। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जो बिल फेबररी में आया था वो फिल लाइक वो बिल को क्यों इतना डिले कर दिया गया, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं था बिल को बोलते हैं कि पार्लियामेंट में लाने का, क्या वो खाली ऐसे ही अनाउंसमेंट कर दिया था, तो उसका ऊपर आंसर था कि नहीं, हमारा इंटेंशन तो था बट हमको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करने की ज़रूरत है, उस बिल को इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो हमने कवर्ड नहीं किए थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको करना इम्पॉर्टेंट था, इसलिए फिर हमने डिले किया एंड उसको इम्प्रोवाइज़ किया, तो जो वो बिल में था वो अभी भी है बट उसमें काफ़ी चीज़ें नहीं ऐड हुई हैं, तो बोल सकते हैं ये ही वही बिल है बट उसका उसमें बहुत कुछ इम्प्रोवाइज़ हुआ है। तो जो वो बिल था वो तो उसमें जो भी चीज़ें थी वो तो इसमें है ही, बट जो चीज़ें उसमें नहीं थी, जो ऐसा लगता था कि जो ज़रूरत है वो ऐड की गई है, तो काइंड ऑफ न्यू बिल है, जो पुराना वाला बिल था वही बिल नहीं है बट उसके कंटेंट हैं, बट उसमें नई चीज़ें भी ऐड की गई हैं। तो फेबररी में जो न्यूज़ थी ये थी कि गवर्नमेंट 90% लोग बोल रहे थे कि बैन कर देगी, वहाँ पे कोई रेगुलेशन का नाम नहीं था, आई थिंक देन वो लोग को रियलाइज़ हुआ कि गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती। आप स्टेटमेंट सुनो जो अभी 15th को जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे भी यही आया था स्टेटमेंट कि गवर्नमेंट को पता है कि हम बैन नहीं कर सकते बट इसको रेगुलेट करना है, अब कैसे करना है वो सबसे बड़ा टॉपिक है। तो आई थिंक जो फेबररी में आने वाला था जो हमारा बिल था उसके ऊपर वो लोग ने डिस्कशन किया कि यार इसको हम बैन तो कर देंगे बट फिर वो बैन लॉजिकल नहीं होगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है, एंड उसको रेगुलेशन में लाना ही सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट होगा, बैन नहीं। तो मे बी उस वजह से डिले हो गया, उसके बाद मल्टीपल मीटिंग्स हुई रेगुलेशन के लिए, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि रूमर्स आए थे कि गवर्नमेंट ऐसे रेगुलेट कर सकती है, इतना टैक्स लगा देती है लगा सकती है, वो था। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो ये एड्स जो चलते हैं मिसलीडिंग एड्स, उसको क्या गवर्नमेंट बैन कर देगी, तो इस पे बहुत इंटरेस्टिंग आंसर था क्योंकि यहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है अभी। तो उनका आंसर ये था कि हम बैन नहीं करेंगे बट हम उनको रेगुलेट करेंगे, इस वे में ऐड को रेगुलेट करेंगे कि वो मिसलीडिंग नहीं बट वो थोड़ा एजुकेटिव लगे, लोग वो ऐड से थोड़ा एजुकेट हो, ना कि वो देख के ऐसे ही आँख बंद करके वो मार्केट में एंटर हो जाए जहाँ इतना रिस्क है। तो लाइक अगर जो इनका स्टेटमेंट सुनो, सिंपल स्टेटमेंट है। Are we banning them? I want to inform the honorable member who's been a finance minister earlier in Bihar, has also been in very influential and guiding positions in the GST Council, whose advice all of us have benefited from. So I value his question. There are, with the Advertisement Standards Council of India, the ASCI, which governs all advertisements, their guidelines are being studied and the regulations that they have are all being looked into so that we can take, if necessary, some kind of a position or a decision to say how we are going to handle this. I can inform the honorable member. And तो सिंपल सा जो आंसर था उसका कि हम बैन नहीं करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी एक एजेंसी है जो एड्स के ऊपर जो रेगुलेशन का काम करती है, एंड वो लोग ने ऑलरेडी अपना काम बोल सकते हैं शुरू कर दिया है या पूरा समझ लिया है जो भी करना है उस पर, वो प्रिपेयर्ड हैं अपने एंड से एड्स के रेगुलेशन के लिए। अब यहाँ से आप ये सोच सकते हो, अगर जो एड्स को रेगुलेट कर रहे हैं ना कि बैन कर रहे हैं, तो क्या वो क्रिप्टो को बैन कर देंगे, क्योंकि एड्स किस चीज़ के चल रहे हैं, वो चल रहे हैं हमारे क्रिप्टो कॉइन्स के, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्सचेंजेस के एड्स चल रहे हैं। तो अब अगर जो वो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ही बैन हो जाता है तो किस चीज़ का एड चलेगा, क्योंकि अगर जो क्रिप्टो बैन हो जाता है डैट मीन्स ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इलीगल हो जाएगा, तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि वो जो चीज़ इलीगल है इस कंट्री में उस चीज़ के एड्स अलाउड रहेंगे, कैसे अलाउड रहेंगे, आप कोई भी चीज़ इलीगल बन जाता है आप उसको कैसे प्रमोट कर सकते हो,
एड्स के थ्रू किसी भी लाइक ऐसे भी, तो डैट मीन्स यही है, एड्स को रेगुलेट कर रहे हैं। डैट मीन्स जो प्रोडक्ट है एड्स का, अब एड्स के प्रोडक्ट वही हैं क्रिप्टो, हमारे एक्सचेंजेस जहाँ पे हम कॉइन बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, तो वो बैन कैसे हो सकते हैं जब वहाँ पे एड्स की रेगुलेशन की बात हो रही है? जब प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा तो ऐड कैसे चलेगा? एंड अगर जो ऐड वो चलाना है लाइक ऐड अलाउ करना चाहते हैं, ऐड को रेगुलेट करके काइंड ऑफ रूल बना के ऐड को अलाउ करेंगे चलाने के लिए, डैट मीन्स फिर वो प्रोडक्ट भी तो रहेगा, तभी तो वो ऐड चलेंगे। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से आप सोच सकते हो कि मे बी गवर्नमेंट डिसीजन ले चुका है कि एसेट में डालेंगे, बट जो भी डिस्कशन अभी चल रहा है वो वही चल रहा है कि रेगुलेशन कैसा होगा, क्योंकि रेगुलेशन इस पे करना बहुत टफ है। आप खाली ये पहली बार इंडिया में नहीं हो रहा, बहुत लोग सोच रहे हैं कि इंडिया में यार गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे। अगर जो आप दो तीन ब्राज़ील में देखो या एक और कोई कंट्री थी जहाँ पे बिल प्रेजेंट होके भी डिले हो गया था, एंड वो लोग ने बोला कि हम इसको इम्प्रोवाइज करेंगे। एंड एक एनएफटी का भी क्वेश्चन पूछा गया था, एनएफटी के बारे में क्या, उस पर भी आंसर दिया है। जैसे As regards NFT, the non-fungible ones, Honorable Member desires having a separate legal framework. At this moment, I may not be able to say whether I will give a separate framework or not. But certainly, as I said, all these matters are being discussed. So, वहाँ पे directly ये बोला गया है कि NFT और बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी bill में include हैं. That means bill में अगर जो इंक्लूड है तो वो बैन नहीं है। बैन के लिए आपको इतना सब प्रिपेयर्ड नहीं करना पड़ता है, तो मे बी रेगुलेशन ही है। हो सकता है कि एनएफटी के लिए अलग रेगुलेशन हो, जैसा बोला कि मैं अभी बोल नहीं सकती कि क्या अलग से कुछ रूल होगा एनएफटी के लिए या क्रिप्टो के लिए, तो उन्होंने बोला अभी नहीं, जब बिल आएगा तभी उस पर डिस्कशन होगा। बट जो एक जो पॉइंट वाली बात जो मैं बोल रहा था वही कि अगर जो एड्स को बैन नहीं कर रहे हैं तो डैट मीन्स क्रिप्टो का बैन का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। अब मेन वही बात आ गई है कि रेगुलेशन कैसा होगा। एंड आप कोई भी कंट्री देख लो, रेगुलेशन क्रिप्टो पे लाइक बहुत हार्ड है, इतना इजी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो 100% रेगुलेट हो नहीं सकता। तो गवर्नमेंट तो यही ट्राई करेगी कि जितना भी पॉसिबल हो उतना रेगुलेट करें उसको, उतना हम कंट्रोल करें अपने विद इन बाउंड्रीज, जो भी हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, एटलीस्ट उसको तो हम जितना पॉसिबल हो उतना हम कंट्रोल करें। तो उसके लिए ही इतना लंबा ये बिल खींचा जा रहा है, लाइक बोल सकते हैं इतना लंबा टाइम ले लिया वो लोगों ने। तो मे बी पॉसिबल होगा कि कुछ हार्ड रेगुलेशंस भी आ जाएं, एंड हो सकता है कि नॉर्मल सा रेगुलेशन भी आए, बट क्रिप्टो एज एन करेंसी वो तो फिक्स है, बैन होगा। एसेट क्लास अभी यही लग रहा है कि एसेट क्लास में कंसीडर किया जाएगा, उस पर रूल्स जो हैं, टैक्स जो हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बट उन्होंने यही आंसर दिया कि जब बिल आएगा हमारे पास टाइम रहेगा, हम पूरा उस पर डिस्कस करेंगे, बट अभी जब तक बिल कैबिनेट से पास नहीं होता, क्योंकि अभी वो बिल कैबिनेट से ही पास नहीं हुआ है, तो जब तक वो कैबिनेट से पास नहीं होता तब तक वो पार्लियामेंट में नहीं आएगा, तब तक उन्होंने बोला मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकते इसके ऊपर। जब एक बार पार्लियामेंट में आ जाएगा कैबिनेट से पास होके, तब उस पर मैं कुछ बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी भी उसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि वो कैबिनेट से अभी भी पास नहीं हुआ है। तो एंड ये चीज़ें ऐसे मैंने बोला बहुत सी कंट्रीज़ में ऑलरेडी हुई है, जहाँ पे बिल आया है फिर उसको वापस इम्प्रोवाइज करना पड़ा है। तो बिल का जो है ना, ये आप देखोगे अगर जो न्यूज़ फॉलो करोगे तो मैंने देखा है बहुत कंट्री में ये चीज़ हुई है कि बहुत डिले करना पड़ा है, क्योंकि रेगुलेशन फ्रेमवर्क क्रिप्टो के लिए बनाना बहुत टफ है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट भी वही ट्राई कर रही है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना हम रेगुलेट करें उसको। एंड रेगुलेशन है आई थिंक तभी इतना टाइम लग रहा है, बैन के लिए इतना टाइम नहीं लगता। तो आई थिंक अब जब तक बिल नहीं आता तब तक तो कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, बट जो ऐड वाली बात है आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव है वो, एंड उससे सोच सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट बैन वैन तो नहीं हो रहा है। कुछ लोग पैनिक हो रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बैन हो सकता है, गवर्नमेंट ये कर देगी वो कर देगी, मुझे नहीं लगता है, मुझे स्टार्टिंग से नहीं लग रहा था, अभी भी नहीं लग रहा है कि बैन होगा, रेगुलेशन होगा ये फिक्स्ड है। रेगुलेशन कैसा होगा वो देखना पड़ेगा, अब जब तक बिल नहीं आता तब तक वेट ही करना पड़ेगा, एंड लाइक होप करेंगे कि पॉजिटिव ही आए। रेगुलेशन भी जो आता है तो इतना लाइक हार्स रेगुलेशन ना हो, टैक्स वगैरह जो भी इतना हाई ना हो, जैसे रूमर्स आ रहे थे, कहीं बोल रहे थे 60-50%, 40%, कुछ 10%, 1% भी बोल रहे थे, कोई भी लाइक रूमर पे हम लाइक कंसिडर नहीं कर सकते कोई भी,
बट जब तक बिल नहीं आता, अभी भी वो उस पर काम चालू हुआ तब बोल सकते हो, कोई भी बोल नहीं सकता। जो फाइनेंस मिनिस्टर भी खुद ये बोल दे कि अभी वो बिल पे हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि वो अभी कैबिनेट में भी पास नहीं हुआ, जब कैबिनेट से पास होगा तभी हम बोल सकते हैं क्योंकि चेंजेस हो सकते हैं अभी भी, तो अभी भी उसका काम चालू है। एंड जब वो कैबिनेट से पास हो जाएगा देन हमको वो पार्लियामेंट में मिल जाएगा, देन उस पर डिस्कशन भी होगा। जैसे बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है उसके ऊपर, तो वो लोग लाइक फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें बोला भी है कि हम उस पर डिस्कस करेंगे, खाली आपको वेट करना पड़ेगा कि एक बार कैबिनेट से पास हो जाए देन उसको पार्लियामेंट में भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो आंसर दे सकती थी वो उन्होंने आंसर दिया, बाकी का जब वो बिल आएगा प्रेजेंट होगा डिस्कस होगा उस पर तब आंसर आएंगे, बट अभी ऐसा कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। नेगेटिव सोचो आप, पॉजिटिव एटलीस्ट पॉजिटिव एक स्टेटमेंट तो आ गया है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि क्रिप्टो के एड्स को रेगुलेट करेंगे ना कि बैन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं कब कैबिनेट से पास होता है, कब पार्लियामेंट में आता है, कब उस पर डिस्कशन होते हैं, कब हमको देखने मिलता है क्या हुआ रेगुलेशन में।